हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट एंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है दैनिक जागरण संपादकीय आत्मनिर्भरता की मुहिम गति 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आयुध सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से की गई यह घोषणा समय की मांग थी कि कुछ हथियारों और रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर उन्हें देश में ही तैयार किया जाएगा। विराम। सही दिशा में उठाए गए इस कदम का स्वागत होना चाहिए। विराम। जब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की पहल की जा रही है, तब फिर यह आवश्यक है कि भारत अपनी ज़रूरत की रक्षा सामग्री का उत्पादन खुद करे। विराम। ध्यान रहे, आज के युग में किसी देश की महत्ता का आकलन इससे भी होता है कि वह अपनी ज़रूरत की रक्षा सामग्री का निर्माण स्वयं करता है या नहीं। विराम। रक्षा मंत्री की ओर से की गई घोषणा के अनुसार करीब 100 हथियारों और रक्षा उपकरणों का निर्माण अब देश में ही किया जाएगा। विराम। इस फैसले से हर चीज का आयात करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगने के साथ ही अगले 6-7 साल में हथियार और रक्षा उपकरण बनाने वाले स्वदेशी उद्योग को करीब 4 लाख करोड़ रुपये के ठेके मिलेंगे। विराम। इससे इस उद्योग को मजबूती मिलेगी और भारत को रक्षा सामग्री के आयात में कहीं कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब स्वदेशी उद्योगों की ओर से तैयार रक्षा सामग्री गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरेगी। विराम। बेहतर होगा कि यह हर स्तर पर सुनिश्चित किया जाए कि तीनों सेनाओं की ज़रूरत पूरी करने के लिए देश में तैयार होने वाले हथियारों और उपकरणों की गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता न होने पाए। विराम। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ओर से तैयार रक्षा सामग्री को लेकर गुणवत्ता संबंधी सवाल उठते रहे हैं। विराम। पैरा। सेनाओं को केवल आधुनिक रक्षा सामग्री से लैस करना ही जरूरी नहीं होता। विराम। यह भी आवश्यक होता है कि उनकी मांग समय रहते पूरी हो। विराम। चूंकि इस मामले में अतीत के अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए जरूरी सबक समय रहते सीखे जाने चाहिए। विराम। इसी क्रम में उन कारणों का निवारण भी प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए जिनके चलते हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का वक्त के हिसाब से आधुनिकीकरण नहीं हो सका। विराम। यह भी अच्छा नहीं हुआ कि निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर देश में ही रक्षा
सामग्री के उत्पादन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकी, विराम। अब जब ऐसा किया जा रहा है, तब इस पर भी ध्यान देना होगा कि देश में तैयार आयुध सामग्री ऐसी हो जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी हो, विराम। यह हैरानी की बात है कि राजनाथ सिंह की ओर से की गई एक महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेसी नेता चिदंबरम को महज शब्दजाल नजर आई, पूर्ण विराम। उनकी आलोचना का औचित्य समझना कठिन है, विराम। तो कैसे लगी आप सभी को डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।